अखबार में मीना लेवेने इस दिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून 14 साल की नाबालिग छात्रा से किया था दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा। 2019 के लिए कांग्रेस की बैठक, राहुल की चर्चा जारी। पीएम मोदी का पूर्वोत्तर दौरा, ईटानगर में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अब देखते हैं खबरें विस्तार। देहरादून 14 साल की नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के प्रयास में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 9 साल की सजा सुनाई, साथ ही 45,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में 20,000 पीड़ित छात्रा के परिवार को देने के आदेश दिए हैं। मामला 1 अगस्त 2016 का है। नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी की बैठक शुरू की, इसमें प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राहुल मिशन 2019 पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में की जा रही कांग्रेस की इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया सहित कई राज्यों के पीसीसी भी शामिल हैं। गुवाहाटी प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर है। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। यहां पीएम मोदी प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ग्रीनफील्ड होल्लोगी हवाई अड्डे और एफआई यहां पीएम मोदी प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ग्रीनफील्ड होल्लोगी हवाई अड्डे और एफटीआईआई के स्थायी परिसर को स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ईटानगर में डीडी अरुण प्रभा चैनल उन्नत तेजू हवाई अड्डे 110 मेगावाट पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 50 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर है। आसू सदस्यों ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के गेट पर प्रधानमंत्री को उस समय काले झंडे दिखाए जब वह लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शाम करीब 6:30 बजे राजभवन की ओर जा रहे थे। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।